आज इस वीडियो में अपन बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो। ऐसा स्टेटस आपने या फिर शेक इफेक्ट स्टेटस आपने इंस्टाग्राम रील्स पे ज़रूर से देखा होगा। अब आप अपने फोटो को साथ में बना के अपलोड करोगे ना तो यार आपके व्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं, और अगर आपके व्यूज़ आएंगे तो आपके फॉलोवर भी बहुत अच्छे खासे आ जाएंगे। तो गाइस आप ऐसा वीडियो बहुत आसानी से बना सकते हो, बस आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोगों को काइनमास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, उसको आप जाकर डाउनलोड कर लेना, और उसी के साथ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इनको भी डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार गाइस आप देख सकते हो मेरे सब्सक्राइबर कितने, मेरे व्यूज़ भी नहीं आते, और यार गाइस व्यूज़ इसलिए नहीं आते क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके तो ज़रूर से जाना, क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियोज़ के बारे में बताते रहते हैं। तो गाइस अब आपको क्या करना है, आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको प्लस के ऑप्शन पर जाना है, नैन वाले रेशियो पर जाना है, और आपको यहाँ से इसको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से एडिटिंग पर जाना है और आपको फिल स्क्रीन को ऐड कर देना है। अब इसके बाद में गाइस आपको मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ से एक कोई सा भी फोटो ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ से एक फोटोज़ को ऐड कर दिया, इसके बाद में आपको यहाँ से ऑडियो के ऑप्शन पर जाना है, और आपको डिस्क्रिप्शन पर इस ऑडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना। अब जैसे कि मैं इस ऑडियो को यहाँ से ले चुका, अब इसके बाद में ना इस फोटो की लेंथ आपको कितनी रखनी है, आपको इस फोटो की लेंथ रखनी है 2% 2 सेकेंड, और इसके बाद में ना 100 कुछ बचेगा, ठीक है। अब जैसे कि अपन यहाँ पे इसको 100 रख लेते हैं, ठीक है। अब 154 रख देना गाइस, ठीक है। अब आपको इसके लिए इतनी रखनी है, बस सिर्फ आपको याद रखना है इस फोटो के लिए आपको 2 सेकंड और 163 के आसपास रख देना, ठीक है। अब इसके बाद में ना आपको वापस से ना मीडिया के ऑप्शन पे जाना है, और आपको वापस से 3 फोटोज़ को ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप 3 फोटोज़ को वैसे भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से 3 फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से इन 3 फोटोज़ को ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। जो लास्ट फोटो और बचा है, अब जैसे कि मैं 3 फोटोज़ को यहाँ से ऐड कर चुका, अब 3 फोटोज़ को ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको तीनों फोटो की लेंथ को ना बिल्कुल कम कर देनी है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ से 3 फोटो की लेंथ यहाँ से कम कर चुका हूँ। इसके बाद में ना इसकी थोड़ी सी आपको जूम आउट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो सेकंड वाला फोटो ना इसको आपको थोड़ा सा आगे ले जाना है, थोड़ा सा, ठीक है। आपको सेकंड वाला फोटो भी थोड़ा सा आगे ले जाना है, और ये लास्ट वाला फोटो इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाना है, ठीक है। अब इस तरीके से आपके स्टेटस वीडियो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपके स्टेटस वीडियो बन जाएगा, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ना वापस से मीडिया के ऑप्शन पर जाना है, और आपको यहाँ से एक फ़ोटोज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ से एक कोई सा भी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस फोटोज़ को यहाँ से ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसको ऐड करने के बाद में ना गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस फोटोज़ की लेंथ को जो ना, मतलब यहाँ से आपको याद रखना लास्ट वाले फोटो को आपको थोड़ा सा आगे की तरफ आना है, ठीक है। आपको कितने परसेंट पर आना है, आपको यहाँ पर 4% पर आना है, या अपन 4% पे आ गए, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी लेंथ कम कर देनी है, इसकी लेंथ कम करने के बाद में ना अब आपको क्या करना है, अब आपको ये काम करना है, आपको यहाँ से ना सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है, और आपको यहाँ से एडिटिंग पे जाना है, और आपको यहाँ से इसकी लेंथ को बिल्कुल यहाँ से आपको 5% है ना, यहाँ 5% पे करने के बाद आपको 1% थोड़ा कम कर देना है, 5% में आपको 1 पॉइंट कम कर देना, ठीक है। 1 पॉइंट कम करने के बाद में अब आपका स्टेटस वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ना अगर यहाँ से मीडिया के ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से कम करके आपको यहाँ पे 30 से 35 फोटो को ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे कहते यहाँ से आपको 30 से 35 फोटो को ऐड करना है, तो आप यहाँ से जाके जल्दी से फोटोज़ को ऐड कर लेना, ठीक है। तो क्या चलो जैसे कि मैं भी यहाँ से जल्दी, अब गाइस जैसे कि मैं देख सकता हूँ मैं यहाँ से सारे फोटोज़ को जल्दी से ऐड कर चुका, ठीक है। सारे फोटोज़ को ऐड करने के बाद में ना अब आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ से ना सबके अंदर फोटोज़ के अंदर आपको ट्रांजेक्शन ऐड करना है। अब आपको ट्रांजेक्शन किस तरीके से ऐड करना है, आपको फर्स्ट वाला जो फोटो ना इसके अंदर आपको तो ना फोटो पर क्लिक करके, और आपके यहाँ से क्लिप ग्राफिक पर जाना है, और आपको यहाँ से कॉल में डीजे का फर्स्ट वाला यूज़ कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में ना आप लोगों को यहाँ से ना आपके ये 3 फोटोज हैं, इन एक फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है, और आपको क्लिप ग्राफिक पे जाना है, और आपको यहाँ से ना इन एनिमेशन पे जाना है, और आपके यहाँ से ना कहीं यहाँ से आपको यहाँ से कोई सा भी ऐड करना है, जैसे कि आपको यहाँ से 8 नंबर का ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि 7 नंबर का, और ये 9 नंबर का, ठीक है, इस तरीके से, और ये 10 नंबर का। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको 7 और ना यहाँ पर आपको 8 9, ठीक है, 7 और 9 ऐड करना है आपको, ठीक है। अब जैसे अपन फर्स्ट वाले पे 7 कर लेते हैं, और यहाँ पर 2 वाले पे ना, मतलब अपन यहाँ से जाके अपन यहाँ पे 8 कर लेते हैं, ठीक है, 9 कर लेते हैं। अब वापस अपन यहाँ से इसको 7 ऐड कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब गाइस ये आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगे कहाँ पर, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया, ठीक है, उस वीडियो को जाके आप देख लेना। आपको यहाँ पे कॉल में डीजे वाला मिल जाएगा, और आपको जो एनिमेशन वाला ना गाइस, इन एनिमेशन वाला ये आप लोगों को ना गाइस कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके क्लिप ग्राफिक पर जाके गेट मोर पर जाना है। गेट मोर पर जाने
के बाद में ना आपको क्या फर्स्ट पे इन एनिमेशन का मिलेगा, इन एनिमेशन में आपको एनिमेशन वाला मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब गाइस फर्स्ट वाला आपको जो वाला फोटो जो है ना, इसके अंदर वापस से आपको क्लिप ग्राफिक पर जाना है और कॉल में डीजे पर जाना है और आपके यहाँ से 5 नंबर का ऐड कर देना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ऐड करने के बाद में ना आपके यहाँ पर गाइस आपके यहाँ पर आएगा दूसरा फोटो, ठीक है। अब आपने जो बहुत सारे फोटो ऐसे ऐड करे ना, इसके अंदर अगर आपको याद रखना आपको कौन सा वाला ट्रांजेक्शन ऐड करना है, ठीक है। आपको क्लिप ग्राफिक पर जाना है और आपके यहाँ से इन एनिमेशन पर जाना है और आपको नीचे आ जाना है और आपको नीचे कौन सा आपको यूज़ करना है, आपको 29 वाला, ठीक है। 29 वाला ऐड करना है, सेकंड वाले फोटो पे आपको यहाँ पे 30 वाला ऐड कर देना है, जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाला ऐड कर देना है, ठीक है। अब इस तरीके से ना गाइस सारे फोटोज़ के अंदर आपको यहाँ पर इन दोनों को ही ऐड करना है, मतलब समझ रहे हो ना आपको किस कौन कौन से ऐड करना है, मैं आपको बता दें, ठीक है। अब आपको यहाँ से 29 और लास्ट वाला फोटो में, मतलब सेकंड वाले फोटो में आपको यहाँ पर 30 वाला ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो। अब गाइस सारे फोटोज़ के अंदर आपको इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जल्दी से ऐड करके भी बता दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा आपको यहाँ पर डबल डबल, मतलब आपको अगर आप कोई और सा भी ऐड करना चाहते हो ना तो और आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ना अगर मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लगा तो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्या अपनी अपनी पसंद है, आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो। आपको ट्रांजेक्शन कैसे ऐड करना है वो मैंने आपको आगे बता दिया, मतलब ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। आपको कॉल में डीजे वाला वहाँ से मिल जाएगा और आपको यहाँ से एनिमेशन वाला आपको यहाँ से काइन मास्टर में आपको मिल जाएगा। तो क्या चलो जैसे कि मैं जल्दी से यहाँ पर सबको ऐड कर लेता हूँ। आपके सारे फोटोज़ के अंदर मैं ट्रांजिशन को ऐड कर चुका हूँ, जैसे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लेयर के ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको मीडिया पर जाना है और मीडिया पर जाने के बाद में आपको अगर डाउनलोड पर जाना है, मतलब ठीक है, आपको मतलब आपने जो फोटो डाउनलोड करो होगा ना, जो वीडियो सॉरी आपने जो वीडियो डाउनलोड करो होगा उस वीडियो को यहाँ से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ से इसको फुल ऐड कर देना है, फुल ऐड करने के बाद आपको एक बैक आना है और नीचे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ से इसको स्क्रीन को ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद में वापस से आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और आपको डाउनलोड पर जाकर इस बॉर्डर लाइन को ऐड कर देना है, ठीक है। इस बॉर्डर लाइन को ऐड करने के बाद इसको भी आपको यहाँ से फुल ऐड करके एक बैक आना है और नीचे आपको वापस से ब्लेंडिंग पर जाना है और आपके यहाँ से इसको स्क्रीन पर ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी लेंथ आपको इसके बराबर कर देनी जितना आपका स्टेटस वीडियो होने वाला है, ठीक है। और जो वीडियो आपका जो थोड़ा आगे निकल गया इसको यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टेटस वीडियो बन जाएगा। तो क्या चलो अपन वीडियो को प्ले करके देखते हैं। आपको ऐसा स्टेटस वीडियो बना के यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना, फिर आपका वीडियो यहाँ से कंप्लीट बन जाएगा। तो कैसे इतना था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर से जाना।